ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे बार्क ईटिंग कैटरपिलर, छाल खाने वाला कीट। क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑर्डर लेप्टोप्टेरा, फैमिली मेटाबिलिडी, और जो साइंटिफिक नेम या अगर हम जीनस स्पीशीज की बात करें तो दैट इज इंडारबेला क्वांड्रिनोटाटा। इंडारबेला क्वांड्रिनोटाटा इसका वैज्ञानिक नाम भी है और इसका जीनस स्पीशीज भी है, और अदर नाम इसको या स्थानीय नाम से इसे छाल भेदक इल्ली भी कहा जाता है। बात करते हैं हम इसके होस्ट प्लांट की, इसके पोषक पौधों की, कि इसके जो पोषक पौधे हैं वो कौन कौन से हैं। आम, आंवला, अमरूद, नींबू, लोकाट, चीकू और बेल, ये सभी क्या है इसके होस्ट प्लांट्स या पोषक पौधे रहते हैं। बात करते हैं हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की या इसके वितरण की, कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सभी स्टेट्स में मिलता है। डैमेज की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो सुंडी अवस्था है या इसकी लार्वा फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो हानिकारक अवस्था होती है। ये छाल को खरोंच कर खाते हैं। जब शुरू में ये डैमेज करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो सुंडी अवस्था है या जिसकी जो लार्वा अवस्था है वो छाल को खरोंच कर खाते हैं, और बाद में तने और शाखाओं विशेषकर उनके जोड़ वाले स्थानों को छेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और दिन के समय तने में जो सुरंग बनाते हैं या छेद के पास की छाल को खाते हैं, और रात के समय में यह सक्रिय हो जाते हैं। रात के समय में सक्रिय हो जाते हैं और ये रात के समय में छाल के छोटे छोटे टुकड़ों को और विष्ठा तथा चिपचिपे पदार्थ से लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी रिबन की भांति जाल बना लेते हैं, और ये जो सुंडी है वो जालों के अंदर छिप जाती है और फिर तने की लकड़ी को खाती है। और इस कीट के प्रकोप से पोषक पदार्थों का प्रवाह रुक जाता है और जो प्लांट है या जो पौधा है उसकी शाखाएं सूख जाती हैं, और जो प्रकोपित प्लांट्स होते हैं उनकी जो फल लगते हैं वो भी कम लगते हैं, और अगर लगते भी हैं तो उनकी जो क्वालिटी है या उसकी जो किस्म है वो अच्छी नहीं रहती। तो इसका जो अटैक है वो लगभग सामान्यतः पुराने वृक्षों पर होता है और काली मिट्टी और वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी लाइफ हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की। तो लाइफ हिस्ट्री या इसके जीवन चक्र में देखते हैं कि चार अवस्थाएं पाई जाती हैं, एग, लार्वा, कृमि कोष और प्रोब। तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें तीन अवस्थाएं हैं उसमें होता है एग, लार्वा और प्रोड, या एग निम्फ और प्रोड, और जिसमें चार अवस्थाओं की बात करते हैं तो उसमें एक स्टेज प्यूपा पाई जाती है। तो एग की बात करते हैं तो एग में देखते हैं कि जो फीमेल इंसेक्ट है वो लगभग 300 से 500 अंडे देती है, और ये अंडे ग्रुप में दिए जाते हैं, मीन्स अकेले अकेले या एग नहीं दिए जाते, ये ग्रुप में दिए जाते हैं, और प्रत्येक समूह में एक समूह में लगभग 15 से 20 एग्स होते हैं। और जो एग देने का टाइमिंग है वो मई और जून के महीने में रहता है, और एग हैचिंग का जो टाइम है या एग के पकने का जो टाइम है वो लगभग 10 दिन में पककर फूटते हैं,
और एग तने और शाखाओं की दरारों में दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लार्वा कंडीशन, या जिसे सुंडी अवस्था भी कहते हैं, जो कि फसल के लिए हानिकारक होती है। तो अंडों में से हैचिंग के बाद सुंडी अवस्था निकलती है। इसकी जो लाइफ है वो काफी लंबी होती है। ये अगले साल की अप्रैल माह तक इसी अवस्था में बनी रहती है और पौधों को क्षति कर पहुंचाती रहती है। मीन्स कब मई मई जून में एग दिया जाता है और अगले अप्रैल तक लगभग 10-11 मंथ तक ये सुंडी अवस्था में ही रहती है और प्लांट्स को डैमेज करती रहती है और धीरे धीरे ग्रोथ भी करती रहती है। और सितंबर में 1.5 सेंटीमीटर और दिसंबर में पूर्ण विकसित हो जाती है और 4 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है। नहीं, जब ये पूर्ण विकसित हो जाती है तो इसका जो साइज है वो लगभग 4 सेंटीमीटर हो जाता है और शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। लास्ट पेज पर आपने डायग्राम में देखा था सुंडी की, कि उसके हर सेगमेंट के ऊपर आपको बाल दिखाई दे रहे थे और शरीर के दोनों ओर ब्राउन कलर के दाग होते हैं और इस सुंडी का जो सिर है उसका रंग काला होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थर्ड जो है कृमि कोष अवस्था, या जिसे प्यूपा अवस्था कहते हैं, जो पूर्ण विकसित सुंडी होती है वो सुरंग के अंदर ही भूरे काले रंग के भूरे लाल रंग के कोष में बदल जाती है और मई महीने तक सभी सुंडियां कोष अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। यह अवस्था लगभग 3 से 4 सप्ताह की होती है और जून के अंत तक क्या हो जाता है, इसमें से प्रोड बनकर निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोड जो इनके एडल्ट हैं इस इंसेक्ट के, वो कैसे होते हैं। ये हल्के भूरे रंग के होते हैं और इस पर काले भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और जो फीमेल इंसेक्ट है वो मेल की कंपैरेटिवली बड़ी और पीले रंग की होती है। प्रोड कीट जब निकलते हैं प्यूपा से, उसके बाद ये कॉपुलेशन क्रिया करते हैं और फीमेल इंसेक्ट 2 से 3 दिन बाद एग देना प्रारंभ कर देती है और वर्ष में इनकी एक ही पीढ़ी मिलती है। कैसा होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। टोटल लाइफ साइकिल 12 मंथ्स में पूरा होता है और एक जनरेशन एक साल में बनती है। तो एक फर्स्ट अवस्था, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड प्यूपा और फोर्थ एडल्ट। तो ये जो है ये लाइफ साइकिल इस तरह से 4 अवस्थाओं में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कंट्रोल, कि इसका जो कंट्रोल है वो किस तरह से होता है, कि अगर इन कीट का डैमेज हो जाता है तो किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जिससे कि इसका प्रकोप ना हो। तना और शाखाओं पर रिबन जाली, जो बताया था ना कि इसमें जाली बना ली जाती है, तो जो रिबन जाली बनाई जाती है उसको अलग करके नष्ट कर देना चाहिए। सेकंड देखते हैं कि जो तनों और शाखाओं में सुरंगों में नुकीले तार को डाल देते हैं जिससे उन सुंडियों को मारा जा सकता है। मतलब जहाँ सुरंग बना के ये सुंडियाँ अंदर एंटर कर जाती हैं तनों में और शाखाओं में, तो वहाँ पर नुकीले तार को डालते हैं। नुकीले तार को डालने से क्या होता है, वो सुंडियाँ जो या जो लार्वा अवस्था है वो अंदर ही मर जाते हैं और जो टहनियाँ या जो शाखाएं इससे प्रकोपित हो गई हों या ग्रसित हो गई हों उस पर कार्बरिल मिथाइल पैराथियॉन, क्लोरोपाइरीफास, फेनिट्रोथियॉन आदि की दी गई निश्चित अमाउंट, मतलब इसकी भी क्या है, निश्चित अमाउंट को ही छिड़काव करना चाहिए।